उद्घाटन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री की ओर से ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, महंगाई राहत शिविर का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्दीघाटी युवा महोत्सव की, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। अब से कुछ ही समय में वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। लगातार आपको सुनाएंगे कि क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, इससे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नौजवान पीढ़ी के जो बच्चे है, उन नौजवान पीढ़ी के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें नवाचार के साथ साथ उनकी क्षमताओं का संवर्धन करने का जो हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकारी नौकरियों की नीतियों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बॉक्सर हो गए उनको भी नौकरी मिलेगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो सांस्कृतिक क्षमता रखने वाले आदमी उनको भी नौकरी मिलेगी। पर टीवी की क्रांति ने एक नया काम किया है। बच्चा यदि पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं है, खेल कूद में होशियार है, अच्छा यदि फिजिकली उसकी बॉडी है, अच्छी संस्कृति को करने वाला है, तो आज टीवी के माध्यम से उनको रोजगार मिल रहा है। इसलिए फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ हमें उन विधाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, जिससे वो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर जीवन में आगे बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट ले सके, ये भी करने की आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी। पर मैं ये मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में महाराणा प्रताप है, हमारे इलाके में हल्दीघाटी है, ये जो टीएसपी का इलाका माननीय मुख्यमंत्री जी, इस टीएसपी इलाके ने एक ज्योग्राफी बाउंड्री के कारण वो जो आदिवासी बच्चे हैं जो महाराणा प्रताप के नाम से लड़े हैं, चाहे वो डूंगरपुर के रहने वाला हो, चाहे बांसवाड़ा के रहने वाला हो, वही क्षमता कर वाला बच्चा आज खमनौर में रहता है, कुंभलगढ़ में रहता है, मावली में रहता है। इस तरह के जो 1 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन नौकरी का अवसर आने के लिए यदि सरकार के नियमों कानून में परिवर्तन नहीं करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वो बच्चा जो राजीव गांधी और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ लगातार जारी है, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर दिया है। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, 1 जवान के घायल होने की भी सूचना मिल रही है और 24 घंटे में यह दूसरी बड़ी आतंकी घटना है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, चारों ओरों से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। महज 24 घंटे के अंदर लगातार ये दूसरी बड़ी घटना वहां पर और लगातार मुठभेड़ भी जारी है। सेना के जवान वहां पर डटे हुए हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है और इस बीच खबर ये भी है कि 1 जवान इस मुठभेड़ में घायल भी हुआ है। तो बड़ी आतंकी घटना 24 घंटे के भीतर और लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जरके कंडी इलाका में इस वक्त में मौजूद हूँ, ये वही इलाका है यहाँ सुबह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ियों की आमोदराफत इस जगह से आगे जाने की किसी को भी नहीं है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा सिक्योरिटी के अहलकार जो है वो किस तरह से यहाँ पर अलर्ट हैं और किसी भी तरह की आमोदराफत जो है वो आगे के लिए बंद कर दी गई है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर रोकी गई हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है उसकी पूछताछ जो है वो की जाती है, क्योंकि आगे जो है वो पूरा एरिया जो है वहाँ पर सैनिटाइज करने के बाद ही तमाम गाड़ियों को यहां से खोलने की इजाज़त जो है वो होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च भी चला रही है और सर्च के साथ साथ इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। ये सामने वाली पहाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह का ये पहाड़ी इलाका है और कितना दूर दराज का और जंगल का एरिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज कोई भी ऐसा मौका नहीं
चौंकाना चाहती है, जिसमें वो आतंकी जो है वो बच के निकले, क्योंकि इस पूरे इलाका को जो है वो इन पूरी तरह से इस इलाका में जो है वो सर्च जो है चलाई जा रही है और इनकाउंटर जो है वो इस इलाका में चलाया जा रहा है। अब जो है वो फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी इनकाउंटर के बारे में किसी भी अधिकारी ने नहीं दी है, लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट यही है कि इस पूरे इलाका में गाड़ियों की आमोदराफत जो है बंद कर दी गई है, लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त जो है वो नहीं है और इनकाउंटर जो है वो बराबर इस वक्त चल रहा है, दोनों तरफ से गोलाबारी जो है वो इस पूरे इलाका में कंडी के इलाका में चल रही है। न्यूज 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा को लेकर पुलिस और सेना दोनों अलर्ट मोड पर हैं। G20 की बैठक से पहले नेशनल हाईवे पर चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है, वाहनों को रोककर गहनता से जांच की जा रही है। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है, आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सभी वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। G20 की बैठक होने वाली और ऐसे में इसे लेकर सेना के साथ साथ पुलिस भी वहां पर अलर्ट मोड पर है, सघन वाहन अब चेकिंग अभियान जारी है। उधर विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक विदेश मंत्री के सामने आतंक का मुद्दा उठा दिया। एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद समेत आतंक के सभी प्रकार पर रोक लगनी चाहिए, साथ ही आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग पर बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। आतंकवाद से निपटना SCO के मकसद में से एक है। World was engaged in facing COVID and its consequences. The menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. The unfolding situation in Afghanistan. और बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर अग्नि का तांडव देखने को मिला। फर्नीचर और प्लाईवुड दुकान में भीषण आग लग गई, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। ठाणे शहर के मानपाड़ा इलाके में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आग ने भीषण तबाही यहाँ पर मचाई है, लाखों का नुकसान हो चुका है। फर्नीचर और प्लाईवुड दुकान बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये आग लगी कैसे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर IPL मैच आयोजन में नया विवाद हो गया है। फायर NOC से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। होर्डिंग और पार्किंग से जुड़े मामले को लेकर भी विवाद गर्मा गया है। नगर निगम ग्रेटर की टीम SMS स्टेडियम में पहुंची है।